शिक्षा के बगैर समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। शिक्षा के उन्नयन और गांव गरीब के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, ये कहना है एमएलए शैलेंद्र प्रताप सिंह का। और मौका था पीपर गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का। खबर सुल्तानपुर से आ रही और आपको बता दें कि ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसके लिए देश में तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बगैर भेदभाव सभी को आवास, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी 85 योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनने का प्रयास किया जा रहा है। योजनाओं का पारदर्शी लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने में हम सभी को इसमें सहयोगी बनना होगा। कार्यक्रम में पंचायत सचिव रवि सिंह ने चल रही विकास योजनाओं और कराए गए विकास कार्यों का वृत्त प्रस्तुत किया और जरूरतमंदों के 20 आवेदन भी लिए। वहीं कार्यक्रम में जल मिशन के राम अचल यादव और कृषि विभाग के जुबेर अहमद और प्रदीप यादव ने विभाग सह योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। वहीं पीपर गांव में प्रधान ओमेंद्र प्रताप सिंह ने यात्रा में पहुंचे अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तम सिंह ने किया। अब एक महीना बाद या डेढ़ महीना नया वाला सर्वे, तो हमारे जो छूट गया है गरीब लोग उनका भी ठीक आबादी रह भी एकदम कुछ नहीं। बताओ विधवा वृद्धा पेंशन का हाल है, पेंशन चल मिलेगा है, बताओ क्या ऑनलाइन करा दीजिए। एक मिनट सिक्योरिटी सर जो नहीं मिले हमको ऑनलाइन करा दिया जी, लेकिन दिक्कत क्या आप कहना तो पंचायत सारे कह रहे तो आप यहाँ कोई नहीं करते नहीं, तो काम कौन करेगा? ये तो काम सचिवालय जो बना हुआ है वहाँ कौन बैठता है? कौन बैठती नहीं बैठते ये भी बना है ना, तो ये करिए किसी ने इसका नहीं बना हो आप लोग ये बारी बारी से आके इनको नाम नोट करेंगे ठीक है ना, बारी बारी से आकर दादा बैठ गया बैठ गया थोड़ा सुनते बैठ जाए बैठ जा, जिसका नहीं बना है ठीक है ना।